This news is powered by the Gurukulam International School and co-powered by Gurukul Tiles Jiyanki. All types, paver block and tiles. पलामू के छात्रों को उच्च शिक्षा को बड़ा मुकाम देने का जिम्मा उठाए नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों के घेरे में है। स्थापना काल से ही विवादों में घिरे रहने वाले एनपीयू में जब कुलपति का प्रभार डॉक्टर सत्येंद्र नारायण सिंह ने संभाला था तो उन्होंने गलतियों को सुधारने का भरोसा दिया था। बहुत हद तक उनकी कोशिश सफल भी साबित हुई, लेकिन जब एक छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ की बात हो तो जिम्मेदार कर्मियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये समझ से परे है। पूरे विश्वविद्यालय के आईटी सेक्टर का जिम्मा जिस कंपनी को दिया गया है वो कंपनी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है, जब सवाल छात्रों के भविष्य से जुड़ा हो। दरअसल एलिट बीएड कॉलेज का एक छात्र रंजन कुमार को जो मार्कशीट मिला है उसमें रंजन को फर्स्ट डिवीजन से पास दिखाया गया है, लेकिन पेपर 8 में 30 नंबर दिया गया है जबकि पासिंग मार्क 35 है। तो फिर जब 30 नंबर दिया गया तो छात्र पास कैसे हुआ, और जब पास है तो फिर 30 नंबर कैसे दिया गया। कहीं से भी गलती विश्वविद्यालय की ही है। करीब 6 माह से रंजन विश्वविद्यालय का चक्कर काट रहा है। पहले एलिट कॉलेज के प्राचार्य से मिला, फिर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कुलपति सबसे मिलकर उसने बारी बारी से अपनी समस्या को बताया, लेकिन निदान के बजाय और मामला उलझता गया। अब वो छात्र कोर्ट जाना चाहता है। जरा सोचिए, चला था पढ़ाई करके नौकरी करने और अब विश्वविद्यालय का चक्कर तो काट ही रहा है, अब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने को विवश है। हम एलाइट बीएड पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट थे, 15-17 का मेरा बैच था और हम 15-17 में हम सेकेंड ईयर का एग्जाम दिए थे, उसमें मेरा क्रॉस लग गया था। दोबारा उसका हम एग्जाम दिए बीएड पार्ट 2 का, उसमें मेरा नेट पर रिजल्ट क्रॉस दिखाया। उसके बाद हम स्कूटनी के लिए एप्लीकेशन दिए, उसके बाद जो मेरा मार्कशीट आया उसमें मेरा फर्स्ट डिवीजन मिला। उसके बाद एक पेपर 8 है, उसमें कम से कम मिनिमम चाहिए था 35 नंबर पास के लिए, उसमें 30 नंबर है। उसके लिए हम एप्लीकेशन दिए, कॉलेज से वेरीफाई करवाए, अथी करवाए, फॉरवर्ड करवा के यूनिवर्सिटी को दिए, उसके बाद कुलपति महोदय के भी दिए और अभी तक मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। और इसके वजह से हमको मानसिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अगर मेरा कोई सुनवाई अगर नहीं होता तो हम न्यायालय जाएंगे और यूनिवर्सिटी के विरुद्ध केस करेंगे। हालांकि विश्वविद्यालय की ओर से रंजन को फेल बताया जा रहा है और आईटी का जिम्मा संभाले कंपनी पर दोष डाल दिया गया, पर साहब जिसने गलती की है उसे जवाब तलब तो करना चाहिए ना। और 6 माह से जो छात्र आपके कार्यालय का चक्कर काट रहा है उसे उसी वक्त क्यों नहीं बता दिया गया। और ये कोई एक रंजन की कहानी नहीं है, बल्कि कई ऐसे छात्र हैं जो ऐसी गलतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं।